नमस्कार। जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों में क्या रुझान देखने मिलेगा। शुरुआत इस बार एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स से करते हैं। हमने देखा है कि रिफाइंड सोया ऑयल और सोयाबीन और सीपीओ तीनों में ही कहीं ना कहीं ज़बरदस्त गिरावट के साथ पिछले हफ्ते कारोबार हुआ। सोयाबीन में देखा जाए तो 6,800 के नीचे के स्तर के आसपास की क्लोजिंग देखी गई है। जिस प्रकार हमने पिछले हफ्ते ये डिस्कस किया था कि 7,000 या 6,900 के नीचे जैसे ही प्राइस स्लिप होंगी, जो वीकनेस है या कमज़ोरी के आसार दाम में बने रहेंगे, तो वही हमें रुझान आता हुआ दिखा। हमने देखा कि इस हफ्ते स्टॉकर्स और मिलर जो हैं उनकी तरफ से मांग में कमी के कारण और जो सप्लाई सिचुएशन है उसमें सुधार के कारण कहीं ना कहीं सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल में गिरावट के आसार दिखे। सोयाबीन ऐसा लगता है आने वाले कुछ दिनों में करीबन 6,650 तक के स्तर भी दिखा सकता है, यानी आने वाले हफ्ते में 2% की और गिरावट हमें देखने मिलेगी। अपसाइड जो है अब से 6,900 के आसपास कैप्ड रहेगा, यानी इसके ऊपर दाम का निकलना डिफ़िकल्ट लग रहा है। वहीं रिफाइंड ऑयल में भी अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते 1480 तक के स्तर देखे गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट से हमने लगभग 1430 के करीब की क्लोजिंग आते हुए देखी है। यहाँ पर भी मांग में कमी आने से और सप्लाई में अच्छी खासी जो पर्याप्त सप्लाई है उस वजह से हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी कमी आई है। इंडोनेशिया और मलेशिया से भी जो एक एक्सपोर्ट में बढ़त की उम्मीद है उस वजह से हमने एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में गिरावट का रुख आते हुए देखा है। तो पिछले 6 महीनों में जो ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना था, चाहे वो सोयाबीन हो या रिफाइंड ऑयल हो, कहीं ना कहीं अभी वो सुस्त पड़ता हुआ दिख रहा है और ऐसा लगता है कि एक करेक्शन का माहौल बाज़ार में कुछ समय और बना रहेगा। अगर मैं रिफाइंड ऑयल की बात करूँ तो ऐसा लगता है कि 1350 तक दाम गिरने की संभावना बनी हुई है, यानी यहाँ से करंट प्राइसेस से करीबन 5-6% की और गिरावट हमें आने वाले दिनों में दिख सकती है। वहीं अगर कॉटन सीड ऑयल केक की भी बात करूं तो यहाँ पर हमने देखा कि हालांकि 2900 तक के भी स्तर हमने पिछले हफ्ते देखे थे, लेकिन उसके बाद गिरावट का रुख देखा गया है। कहीं ना कहीं पूरे ही एग्री कॉम्प्लेक्स में एक साइडवेज टू लोअर कारोबार देखा गया, जिसकी एक झलक हमें बिनौला खलिया कॉटन सीड ऑयल केक में भी आते हुए देखी। लेकिन करंट प्राइसेस से मुझे लगता है कि गिरावट थोड़ी सी लिमिटेड होगी, सीमित होगी और 2700 के नीचे दाम का जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और दोबारा हमें तेज़ी लौटते हुए दिख सकती है 2850 तक के लिए। तो फिलहाल करीबन 3-4% की तेज़ी के लिए मैं समझता हूँ कि बिनौला खल में बाइंग करके चला सकता है। वहीं कैस्टर में जिस प्रकार हमने काफ़ी समय से एक मिला जुला कारोबार की बात कर रहे हैं, जहां पर जो रेंज है वो 7600 से लेकर 7300 तक की है, तो उसी दायरे में, उसी रेंज में हमने प्राइस को पिछले हफ्ते भी ट्रेड होते हुए देखा और उस दायरे के निचले छोर को प्राइसेस ने छुआ है और उसके बाद 7400 के करीब की क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है कि कुछ समय और तक ये जो दायरा है ये बना रहेगा। हालांकि इन स्तरों से हल्की सी बढ़त 7520 से 7550 तक की हमें आने वाले 2 हफ्तों में देखने मिलेगी, लेकिन अपसाइड जो है यहाँ पर लिमिटेड होगा। वहीं पर M6 कॉटन की बात करें तो स्लो या ग्रेजुअल, जिसे हम एक बढ़त कहते हैं, धीरे धीरे दाम जो है ऊपर जा रहे हैं। हमने 44,000 तक की भी एक करेक्शन आते हुए देखी थी, उसके बाद लगातार बढ़त का माहौल है पिछले 2 हफ्तों से, जो हम एक जायज़ा ले रहे हैं ऊपरी स्तरों के आसपास आ सकता है, इसी बात हुई थी 48,500। तो पिछले हफ्ते 47,500 के लेवल हमने ऑलरेडी देख लिए हैं और 47,250 तक के स्तर के आसपास जो जून फ्यूचर्स है उसने क्लोजिंग दी है। ऐसा लगता है कि जून वायदा आने वाले कुछ समय में 48,500 की तरफ अग्रसर हो सकता है, इसलिए यहाँ पर गिरावट पे बाइंग करके चला सकता है। इमीडिएट तौर पर 46,800 का एक स्तर होगा जो प्राइसेस को सपोर्ट देता रहेगा। वहीं ग्वार कॉम्प्लेक्स में जो 1-1.5 महीने पहले तेज़ी का रुझान था वो 6,000 के नीचे जाने के बाद नेगेट हो गया था और पिछले 2 हफ्तों से हम मंदी के रुख की बात कर रहे हैं। हमने लगातार प्राइसेस में गिरावट देखी और 5,600 के भी जो लक्ष्य की बात की थी वो हासिल होता हुआ दिखा, 5,640 के करीब की क्लोजिंग आते हुए दिखी है। हल्की सी बढ़त इस स्तर से देखने मिलेगी और 5,720 तक दाम जा सकते हैं, यानी एक साइडवेज टू हायर जिसे कहते हैं कारोबार हो सकता है। वहीं ग्वार गम में 10,400 से 10,500 के स्तरों से एक बढ़त आने की उम्मीद दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर बिकवाली करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और यहाँ से एक बार ख़रीदारी करना ज़्यादा फायदे का सौदा हो सकता है। अपसाइड में 10,800 से 10,850 तक के स्तर हम इमीडिएट तौर पर देख सकते हैं, हालांकि मेरा मानना है कि 11,000 के ऊपर दाम का निकलना थोड़ा मुश्किल होगा।
वहीं अगर स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो हमने हल्दी में जिस प्रकार से एक महीने से एक गिरावट का रुझान बना हुआ है, हमने जेन्युइनली पिछले 3 या 4 सेशंस में बड़ी गिरावट आते हुए देखी है, जहां दाम जो है वो 8,200 से गिरकर लगातार 7,800 के स्तर तक गिरते हुए दिखे और क्लोजिंग भी जो है हफ्ते के क्लोजिंग के लोज के आसपास ही आते हुए दिखी है। ऐसा लगता है कि जो 7,850 से 7,800 का जो एक स्तर था वो क्योंकि बाज़ार ने छुआ है, तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं या स्थिरता दिखाई दे सकती है और अपसाइड में 7,930 से 7,940 तक की एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें शुरुआती दौर में दिखाई देगी आने वाले हफ्ते के, लेकिन अपसाइड यहाँ पर भी जो होगा वो सीमित होगा, बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद में नहीं कर रहा हूँ। वहीं धनिया में हमने कुछ खास तेज़ी आते हुए नहीं देखी है, हालांकि जो एक जो मांग है निचले स्तरों पे बरकरार है, 11,000 के नीचे दाम नहीं फिसल रहे हैं, लेकिन 11,600 के ऊपर भी प्राइसेस का निकलना थोड़ा डिफ़िकल्ट दिख रहा है, तो एक दायरे में कारोबार होने की उम्मीद है। हालांकि तेज़ी का रुख तब तक बरकरार रहेगा पोजिशनल बेसिस पे जब तक 10,800 के ऊपर प्राइसेस टिकी हुई हैं, तो यहाँ पर एक छोटी अवधि का एक रुझान लिया जाए तो 10,800 से लेकर 11,600 का एक रुख होगा, लेकिन लंबी अवधि के बेसिस भी कहीं ना कहीं 10,800 जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं पर जीरे में 20,850 का जो स्तर था वो हमने 6 या 8 सेशन पहले टेस्ट होते हुए देखा था, उसके बाद एक बड़ी सी रैली जिसे कहते हैं वो आते हुए दिखी थी 21,630 के करीब की, हालांकि पिछले हफ्ते की क्लोजिंग जो है वो 21,070 के आसपास आई है, यानी गिरावट के साथ हफ्ते में क्लोज दिया है, लेकिन इन स्तरों से और ज़्यादा गिरावट आना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, इसलिए यहाँ से इमीडिएट तौर पर 1 से 1.5% की तेज़ी के लिए यानी 21,400 के लक्ष्य के लिए फ़िलहाल बाय करके चला जा सकता है, और ऐसा लगता है कि इन लेवल पे जो निवेश मांगे हैं वो हमें आते हुए दिखेगी। तो ये था एक जायज़ा कि आने वाले कुछ सेशंस में जो मेजर एग्री कमोडिटीज़ हैं उनमें क्या रुझान देखने मिलेगा। धन्यवाद।